के साथ और सदर थाना टवाणा के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर आज कीर्तन भजन कीर्तन चल रहा है। आप लगातार देखते हैं कि थानों के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं, कौन लोग जाते हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, थाने के अंदर भी भजन कीर्तन है। तो हमारे साथ पूरी टीम है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आज जो ये इतना बड़ा प्रोग्राम है वो कैसे किया गया है। हमारे साथ हैं फूल सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जो ये प्रोग्राम किया गया है आज, इसके बारे में क्या बताएंगे आज? आज महावीर जयंती के उपलक्ष में जी, हर वर्ष की तरह थाना सदर टवाणा सिटी व अन्य मुलाजिमों की तरफ से भंडारे का और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है भाईचारा और सद्भावना के लिए। तो क्या कहेंगे, थाने के अंदर भजन कीर्तन चल रहा है, लोगों के अंदर एक ऐसी धारणा है कि थाने के अंदर गया व्यक्ति के साथ अलग प्रकार का सुलूक किया जाता है, लेकिन थाने में भी भजन कीर्तन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, धार्मिक आस्था है जी। धार्मिक आस्था के मुताबिक भजन कीर्तन अरे भंडारे का आयोजन किया गया। तो सोम प्रकाश जी क्या बताएंगे आज जो भजन कीर्तन चल रहा है? पहले तो मैं महावीर जयंती पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जो थाना सदर टवाणा में महावीर जयंती के उपलक्ष में हर वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी शहरवासी व थाना के सभी मुलाजमान इसमें भाग लेते हैं, बहुत अच्छा है। तो देखिए पूरा का पूरा स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। अजय सर क्या बताएंगे? नमस्कार, पहले तो मैं यहाँ महावीर जयंती के उपलक्ष में रियल न्यूज़ हरियाणा की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इस धार्मिक आस्था को आपने पब्लिक के सामने दिखाया। यहाँ टोहाना सदर सिटी और टोहाना सब डिवीज़न के जितने भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी सदा से ही धार्मिक प्रवृत्ति आस्था रही है। वे हर वर्ष इसी तरह हर्षोल्लास के साथ हमारी महावीर जयंती को मनाते हैं। ये लोगों में आस्था है कि यहाँ पर लोग आते हैं इकट्ठे होकर, हम यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं और कीर्तन पूजा जो है महावीर जयंती पर यहाँ आयोजित की जाती है, ताकि लोगों में ये विश्वास बढ़े कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी के साथ साथ धार्मिक आस्था भी इनकी लोगों के प्रति जगाने का भी प्रयास किया गया है जी। तो भानु सर आप क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? पूरा का पूरा स्टाफ मौजूद है और भजन कीर्तन भी चल रहे हैं, एक अलग सी यहाँ पर संतुष्टि महसूस हो रही है आज हम पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बालाजी मंदिर में हर साल महावीर जयंती के उपलक्ष में हमारी पूरी डिवीज़न के सभी मुलाजिम इकट्ठे होकर प्रोग्राम करते हैं और भंडारा और ओमन का कार्यक्रम होता है, और इससे सभी सुख शांति बनी रहे इसके लिए सभी इकट्ठे होकर ये कार्य में सहयोग करते हैं। मनाया जाता है ये भंडारा? ये साल में एक बार ही करते हैं जी। हाँ, साल में एक बार सभी मिलजुल कर ये भंडारे का आयोजन करते हैं। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो मिलकर साल में एक बार ये आयोजन जरूर करते हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप भी लगातार इस प्रोग्राम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? ये तो हर वर्ष किया जाता है महावीर जयंती पर, सदर सिटी थाना मिलकर, दोनों थाने मिलकर करते हैं, सभी कर्मचारियों बुलाते हैं, जो भी समाज सेवी शहर के होते हैं उनको बुलाते हैं, सभी मिलकर भंडारा करते हैं और यहाँ महावीर जयंती पर सेवा करते हैं। थैंक यू सर। तो जो पंडित जी हैं यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जो धारणा आपके अंदर बैठी है कि उसको आप बदल दीजिए, क्योंकि जो सदर थाना में आज ये कीर्तन चल रहा है, ये एक धार्मिक आस्था सभी की होती है, उसी के अनुसार ये आज प्रोग्राम किया गया है, पूरा का पूरा स्टाफ इसके अंदर मौजूद है। तो आइए पंडित जी से भी हम बात करेंगे। आज भजन कीर्तन आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सर रियल न्यूज़ पे आपका स्वागत है। ओके सर, सबसे पहले तो आज संकट मोचन श्री बालाजी मंदिर कैंची चौक टोहाना की तरफ से, और आज ये महापर्व के ऊपर जो शोभा यात्रा और जो हमारे इस कमेटी के सदस्यों ने आज मेरे बाबा के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर चार चांद लगाए हैं भक्तों के लिए भंडारा। और देखिएगा, सबसे पहले तो एक बात मन में बड़ी खल रही है, क्या केस ऐसे ऐसे हो अपने थाने के अंदर भी और बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर भी मेरे बाबा ने चमत्कार दिखलाए हैं। आज इस थाना के अंदर दिल
और मान सम्मान के साथ मेरे बाबा का भव्य स्वागत किया गया। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का, जितने भी यहाँ स्टाफ के मेंबर हैं, सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बैठ करके लंगर ग्रहण किया और हमारे इस पावन दरबार के अंदर श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे बाबा का इस टोहाना की देवनगरी के अंदर, मैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे बाबा के नाम का डंका बजता है। आज कलयुग के अवतारी श्री राम के आज्ञाकारी और भक्तों के हितकारी का महापर्व है ये। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आज इस महापर्व के अंदर मेरी माता बहनों बैठी हैं, आज जो भक्त आए हैं, देखिए कैदी भी आए हैं, दो चार तो यहाँ शायद कैदी भी पकड़ कर लेकर के आए हैं, लेकिन वहाँ भी हमारे स्टाफ के मेम्बर हैं जितने भी, बड़े दिल से उनकी सेवा कर करके आज समय बदल चुका है। आज प्रगति का नियम है कि जैसे चलेंगे प्रभु वैसे जहाँ भक्त होगा वहीं भगवान होगा। आज हर जगह आज कलयुग के अवतारी के नाम का डंका बजता हुआ है। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, आज हमारे कैंची चौक बालाजी मंदिर पर भी रात्रि को प्रोग्राम है। आज जन्माष्टमी जन्म महाउत्सव के ऊपर बालाजी महाराज की महिमा का गुणदान होगा और बड़े सुंदर सुंदर बालाजी महाराज के प्रवचन होंगे। और आइएगा आप भी, सभी मीडिया चैनल वालों से भी यार आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आज हमारे आचार्य जी ने भव्य यहाँ पर हवन किया है और उसकी जैसे भी आगे प्रदेश देंगे। तो आप देख सकते हैं थाने के अंदर एक धारणा सी बनी होती है कि थाने के अंदर जाएंगे पुलिस महकमा मिलेगा, पुलिस वाले कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन नहीं, ये धारणाएं बदल चुकी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरा का पूरा यहाँ मौजूद है। बालाजी का जो यहाँ पर कीर्तन चला हुआ है और जो कुछ इन्होंने बताया है कि रेस्ट भी किए हुए व्यक्ति इस कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। तो आचार्य जी आप क्या बताएंगे थाने के अंदर आज इस प्रकार का जो ये भजन कीर्तन चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जैसा कि आज हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है, धर्म के बिना कुछ नहीं होता है। जब जिया बिन उदेह नदी बिन वारी तौषहि नाथ पिरुष बिनारी, शास्त्र में तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखे हैं कि जल बिन उदेह नदी बिन मीना धिग जीवन रघुवीर विहीना। अगर जीवन में हम बहुत कुछ उन्नति कर जाएं और हमारे पास यदि राम का नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जब तक राम के नाम का डंका नहीं बजेगा तब तक हम राम के बिना अधूरे हैं। तो जैसा कि आज हनुमान जयंती के पर्व पर आज यहाँ पर सबसे पहले शुरू में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जो हनुमान जी सारे रामचरितमानस में सबसे रियल हीरो माने गए हैं। हनुमान जी, वो जब उनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता और राम की भक्ति बिना हनुमान जी के नहीं मिल सकती। तो जहाँ जहाँ हनुमान जी का डंका बजता है वहाँ राम जी अपने आप आ जाते हैं। तो आज यहाँ पर उसी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम सुंदरकांड का पाठ किया गया और हवन यज्ञ किया गया, बालाजी का निमृत कीर्तन रखा गया। यहाँ सभी जितने भी सिटी थाना के सदर थाना के माननीय गण थे सभी उपस्थित थे। बड़े श्रद्धा भाव से उन्होंने जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में भाग लेकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो हमें सभी टोहाना वासियों से यही कहना है कि आज सनातन धर्म का झंडा गाड़ने की ज़रूरत है, सनातन धर्म से हटने की ज़रूरत नहीं है। सनातन धर्म कहते किसे हैं, कई लोग इसका एक हिंदुओं से श्रद्धापूर्वक बना रहे हैं कि हिंदुओं का ये त्यौहार, हिंदुओं का नहीं त्यौहार है, सभी सनातनों का त्यौहार है। जब सभी सनातन मिल करके एक धर्म का निस्तेज करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर ये जानकारी देने के लिए। और लगातार भजन कीर्तन चल रहा है, हम भी उम्मीद करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि लगातार आप भी, आज रात को भी प्रोग्राम होगा, भव्य प्रोग्राम होगा, बड़े बड़े कलाकार उसमें पहुँचेंगे, तो आप भी ज़रूर कैंची चौक टोहाना पहुँच कर कीर्तन का आनंद लें। लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। बोलिए सच्ची।